फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. ऑप्शंस आर हमने थर्ड क्वेश्चन था ओके फर्स्ट सेकंड हो गया थे ओके. थर्ड इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री इज. ये हमने कर लिया था. पी ई आ रहा था ना. W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. तो कॉस 0 माइनस कॉस 90. ठीक है. कॉस 0 जो है वो 1 है और कॉस 90 जो है वो आपका 0 आ जाता है. तो आपका आ रहा था पी ई. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिया था. आंसर इज पी ई. इज दैट क्लियर? यस. हाँ. फोर्थ क्वेश्चन. थ्री कैपेसिटर्स 2, 3 and 6 माइक्रोफेरेड आर जॉइंड इन सीरीज विद ईच अदर. द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसेस. चलिए निकालें इसको. C1, C2, C3. तो 1 ओवर करके आपने निकालना है इसका. ठीक है. 2, 3 और 6 माइक्रोफेरेड दी हूं. तो यहां से आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम. तो ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड. सो आंसर इज 1 माइक्रोफेरेड. तो सीरीज में आपको पता है ना रेजिस्टेंसेस के रिवर्स चलता है. सो कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल ऐड करोगे टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्लियर है ये? गीतेश इज दैट ओके? मैं सैंपल पेपर आपने ग्रुप में डाला हुआ है. हाँ जी. क्या सैंपल पेपर हम कहाँ पे है ये? सैंपल पेपर सारी साइट्स पे है वैसे. आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम माय सीबीएसई गाइड डॉट कॉम. ग्रुप में है? हाँ ग्रुप में भी डाला हुआ है मैंने. ग्रुप में देख लो. चलो फिफ्थ क्वेश्चन. टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आर एट अ डिस्टेंस आर बिटवीन देम एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ. The electrostatic force between them in vacuum in the same distance at the same distance r will be what? Will be how much? तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है हमारा? F m f in medium is f not divided by k. ठीक है. मीडियम में ये f not divided by k होता है. उन्होंने वैक्यूम का पूछा है कि क्या होगा. तो वैक्यूम का k टाइम्स हो जाता है. सो इट बिकम्स 5 टाइम्स. It will become 5 times. Medium में उन्होंने 5 F बोला है. तो vacuum में कितना है? That is 5F. First part is true. Question number 6. Which statement is true for Gauss's law? Options are all the charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux. Second, electric flux depends on geometry of Gaussian surface. Third part, Gauss's theorem can be applied to non-uniform electric field. And fourth part, electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point. Which option will be true? What do you say? Geometry wali option theek hogi. ज्योमेट्री वाली ठीक है. लास्ट नहीं ठीक लग रही है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट. ज्योमेट्री पे नहीं डिपेंड करता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक क्लोज सरफेस होना चाहिए. इट मे बी ऑफ एनी शेप एनी साइज. इट शुड बी क्लोज. इररेगुलर भी हो सकता है. तो उसके लिए तो गॉसियन थ्योरम वैलिड होती है ना? पर इलेक्ट्रिक फील्ड सारी जगह सेम थोड़ा रहती हैं. गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट और सेम है. दिस इज आवर डेफिनेशन ऑफ गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस ठीक है. गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन ही है. इट्स अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट एंड परपेंडिकुलर. कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म. ठीक है. तो आपका फोर्थ ऑप्शन आ गया. क्वेश्चन नंबर 7. A capacitor plates are charged by a battery with V volts. After charging,
battery is disconnected and a dielectric slab with dielectric constant K is inserted between the plates. The potential across the plates of capacitor will become how much? तो देखो अब इन्होंने बैटरी जो है वो डिस्कनेक्ट कर दी है, चार्ज सेम रहेगा हाउएवर, पर जब उन्होंने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है तो पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज होता है कैपेसिटर के केस में वो के के फैक्टर से होता है, सो पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ के, और हाँ यही आपका आंसर आएगा वी बाय के, चार्ज सेम रहेगा कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, so on the basis of that your potential difference will be reduced by a factor of k. See how you can solve. The conducting slab or dielectric slab, the capacitance always becomes k. The capacitance will become k times. Of this cube kab same rahega, if it is increasing by k this must be decreasing by a factor of k, so your potential is k, it is decreasing, your potential will decrease by a factor of dielectric constant, so that is your option number 3, that is the answer. theek hai, ye ek bahut important concept hai ki kya kya effect hoga, ye wale question bahut important hai. Agar battery connected rehti to aapka v same rehna tha, ठीक है, वी सेम रहना था, कैपेसिटेंस अगेन बिकम्स के टाइम्स, तो चार्ज भी आपका के टाइम्स हो जाता उस केस में. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चार्ज होना था के टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 8. हाँ हाँ, क्योंकि ये देखो ना आप, अगर आपका वी सेम है, सी के टाइम इंक्रीज हो गया तो क्यू भी तो के टाइम्स इंक्रीज होता उस केस में. ठीक है, तो अगर बैटरी तो आपका चार्ज के टाइम्स होता. 8th है, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इज, ऑप्शंस आर पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, वोल्टमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर. विच ऑप्शन इज करेक्ट? पोटेंशियोमीटर है ना, आपने यूज भी किया प्रैक्टिकल में, सो इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल. क्वेश्चन नंबर 9, an electric current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel. ठीक है, करंट जो है उसको हम पास कर रहे हैं सर्किट में जिसमें दो वायर्स हैं सेम मटेरियल की पैरेलल में. इफ द लेंथ एंड रेडियाई ऑफ द वायर्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड 2:3, देन द रेशियो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर्स विल बी व्हाट? तो हमें करंट्स की रेशियो कैलकुलेट करनी है इसके. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, फिर हम उससे करंट निकाल लें. ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंसेस देखिए इस केस में क्या होंगे. आर वन आर टू लिखो पहले, आर वन इज रो एल वन ओवर ए वन एंड आर टू इज रो एल टू ओवर ए टू. तो रेजिस्टिविटी सेम ले ली हमने. ठीक है, रेशियो ऑफ लेंथ इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2:3. ठीक है, तो अब L1 over L2 is 3:2 and A1 over A2 is 2:3. ठीक है, A1 over A2 आपका 2:3 था, तो A2 over A1 हो गया 3:2. ठीक है, तो ये हो गया 9:4. रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस आ गई 9:4. हमें रेशियो ऑफ करंट्स चाहिए. एक मिनट, रेडियाई, रेडियाई की रेशियो दी हुई है, एरिया की नहीं, रेडियाई की रेशियो दी हुई है. एक मिनट, यहां से हमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर रेडियाई की रेशियो 2:3 है
तो एरियाज की रेशियो क्या होगी, 4/9, 4/9, ये हो गया 27/8। तो अब वी सेम है आपका, एक ही सर्किट से कनेक्ट किया, पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ करंट थ्रू द वायर, सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंसेस, सो वी इज इक्वल टू आई आर। अगर वी सेम है तो रेशियो ऑफ करंट, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंसेस आर। तो ये आपका आर वन ओवर आर टू था, सो व्हाट विल बी योर आई वन ओवर आई टू, दैट विल बी आर टू ओवर आर वन, एंड दैट विल बी 8/27। सो योर लास्ट ऑप्शन 4। देख लो एक बारी, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है एक तरह से, बट जस्ट यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, दैट्स इट। क्लियर, कोई डाउट इसमें? देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड अ सेमी कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टिविटी, तो क्या होता है उसको, इंक्रीजेस फॉर बोथ, डिक्रीजेस फॉर बोथ, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेस फॉर अ सेमी कंडक्टर, डिक्रीजेस फॉर अ कंडक्टर एंड इंक्रीजेस फॉर अ सेमी कंडक्टर। हमने वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर किया है, बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, विच ऑप्शन वुड बी करेक्ट। यस, कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? बोलो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी सिंपल, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के लिए अलग अलग वेरी करती है रेजिस्टिविटी, सेम वे से वेरी नहीं करती है, ठीक है। कंडक्टर्स के लिए इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड फॉर सेमी कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो आपका थर्ड पार्ट ट्रू, सो योर आंसर इज पार्ट 3। ओके, गॉट इट, आंसर इज पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 11। वी यूज एलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स बिकॉज दे आर, ऑप्शंस आर लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब एलॉयज क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनका लो, आप कहते हो कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। और व्हाट अबाउट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई है कि लो होती है, वो तो हाई होती है, तो आपका आएगा थर्ड पार्ट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड लो थर्ड पार्ट नहीं आएगा, ये आएगा फर्स्ट पार्ट, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाँ ए पार्ट आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, हीट एच इज डेवलप्ड इन इट, इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायर इज यूज्ड, देन द हीट डेवलप्ड इन इट विल बी हाउ मच, h/2, h/2h और 4h, क्या ऑप्शंस होंगे। अब देखिए कि कांस्टेंट वोल्टेज, तो आपका जो हीट है उसका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, v square over RT यूज कर सकते हैं, मैम अच्छी रहेगी, अलग ही लगेगा ये तो, हाँ क्या कह रहे हो मैम, हीट तो सेम ही रहेगी, लेंथ वगैरह सब चेंज रहेगी, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेडियस एंड लेंथ, वही रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो, i²RT यूज कर लो, चलो तो उसमें रेजिस्टेंस देखिए मेन क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अब उन्होंने कहा है कि ट्वाइस द लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर अगर ये है, दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वायर, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड वायर,
twice the length and double the radius. अगर radius double है तो area क्या होगा? Four times. Area will be four times. Four times. ठीक है, तो resistance पे क्या effect हुआ? Half हो गया resistance, then previous wire. Resistance पहली वायर से, ठीक है, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो तो देखना ही पड़ेगा ना, कि आप आई स्क्वायर आर टी यूज करते हो कि वी स्क्वायर ओवर आर टी यूज करते हो, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका आंसर. ठीक है, तो चलिए अगर हम h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यूज करते हैं कि फॉर द सेम करंट फ्लोइंग बिटवीन बोथ द वायर्स, तो आपका h हो जाएगा h बाय टू, बिकॉज रेजिस्टेंस इज हाफ. रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस के बेस पे आपकी हीट भी हाफ हो जाएगी पहले से. वैसे करंट का उन्होंने कुछ बोला नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज कही है. अगर आप वी स्क्वायर ओवर आर टी यूज करते हो फिर आपका आंसर क्या बनेगा? तो फिर तो आपकी हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगी ना, उसके बेसिस पे तो आपका आंसर हो जाएगा 2H. अब मैम आपके आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. नहीं मैम आ नहीं रही, आवाज नहीं आ रही. तो अब कांस्टेंट वोल्टेज है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? कांस्टेंट वोल्टेज दी हुई है, इसका मतलब वी स्क्वायर ओवर आर टी यूज कर लेंगे तो आपका उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 2H. ठीक है, सो योर आंसर विल बी 2H, राइट? यस मैम. क्वेश्चन नंबर 13 नाउ. इफ पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2V with its temperature kept constant, drift velocity of three electrons in a conductor will remain the same, become half of previous value, be double of initial value, or become zero. So, kya aayega iska answer? Potential difference ko double kar diya hai, temperature constant hai. Drift velocity pe kya effect hoga? Electrons ki. So, pehle dekhiye drift velocity temperature pe kaise depend karti hai. Kya formula hai drift velocity ka? EE by m into tau. Drift velocity is EE tau by m. EE tau by m, where tau is relaxation time. अब temperature constant है तो relaxation time constant रहा, ये भी constant है, electron के लिए ये भी constant है. तो आप इसको put कर सकते हो V by L in terms of potential difference. अब potential को उन्होंने क्या कर दिया है? डबल कर दिया. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा, सो बिकॉज ऑफ दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डबल्ड. सो योर आंसर विल बी थर्ड पार्ट विल बी डबल ऑफ इनिशियल वैल्यू. इज दैट ओके? यस. नेक्स्ट है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B.
शिवम एक मिनट वैल्यूज चेक कर लेना, यहाँ पे ना बहुत लाइट हुआ है, दिख नहीं रहा प्रॉपर। थ्री है कि एट है? मैम वहां पर ए के आगे थ्री है। थ्री है ना, थ्री। और यहाँ कुछ भी है? हाँ जी, यहाँ कुछ नहीं है। सिंपल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो करिए फाइंड। अब इसका एक इक्विवेलेंट पहले आप ड्रॉ कर लो कि दिस सर्किट रिड्यूसेस टू लाइक ये, पहले आपने इतना ड्रॉ कर लिया, ठीक है? ये आपका सपोज बी पॉइंट है एंड दिस इज दिस साइड यू आर हैविंग योर ए पॉइंट। तो अब क्वेश्चन है कि 3 ओम कहां पे लगेगा? 3 ओम लगेगा आपका 6 और ए पॉइंट के बीच में, ठीक है? ये 3 ओम जो है इसका मतलब इसके अक्रॉस। तो पहले आप इसको रिड्यूस कर लो सिंपल सर्किट में, अब आप इसको फाइंड कर लो, ठीक है? तो 3 एंड 6 आर इन पैरेलल, 3 इनटू 6 ओवर 3 प्लस 6, ये आ गया 2, इनका 2, 2 प्लस 8 10, 10 और 30 का पैरेलल में निकाल लो, ठीक है? तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 7.5। यस, सो योर आंसर इज 7। लग रही है वो पूछ लेना बच्चे। ठीक है, 7.5 ओम थर्ड पार्ट इज आंसर। 15th SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट न्यूटन एम्पियर मीटर में दिया, पूछा हुआ है। आपको SI यूनिट टेस्ला पता ही है, अब टेस्ला किसके इक्वल है ये देखना पड़ेगा। तो आप F इज इक्वल टू बिल यूज कर लो, तो B आपका आ गया F ओवर आई एल, फोर्स का न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, तो देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है आपकी, न्यूटन, ये सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला ओम, ये 1 टेस्ला के ही इक्विवेलेंट है। ओके फाइन,